Myself is Anubha from Institute of Medical Sciences, BHU, and you are watching ASS Tutorials. So, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्केन के रिएक्शन. अब हम चैप्टर शुरू कर दिए हैं, ठीक है. उससे पहले जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, जितने भी रिएक्शन थे, सारे डिस्कस किए हमने कॉन्सेप्ट के साथ. तो अब एल्केन शुरू करेंगे. उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोटिवेशनल चैनल का लिंक भी दिया गया है, प्लीज उसे भी क्लिक करें और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए. चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग एल्केन. तो जो पहला रिएक्शन है, ठीक है, एल्केन फॉर्मेशन करेंगे. पहले एल्केन का फॉर्मेशन देखेंगे. उसमें भी जो पहला रिएक्शन है अपना, वो है बाय हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजन ऐड करके कैसे एल्केन बनाना है वो देखेंगे, उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे आप लोग, ठीक है. हाइड्रोजिनेशन तो शुरू करते हैं. चलिए देखिए, ये एक आपका एग्जाम्पल होगा, ये एल्कीन का एग्जाम्पल, एल्कीन है, ठीक है. इसमें आप हाइड्रोजन और कोई एक मेटल लोगे तो सबसे पहले कन्वर्ट किसमें होगा, दो हाइड्रोजन जुटेगा यहाँ पर, इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और क्या बना देगा, ये आर सी डबल वन सी आर अल्किन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है. अल्किन बन जाएगा, सॉरी, हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पर. फिर आप अगले स्टेप अभी एच टू रखो, मेटल है, ठीक है. फिर क्या हो जाएगा, फिर दो हाइड्रोजन और जुड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि और भी चांसेस है स्कोप हाइड्रोजन जोड़ने का, तो वहाँ भी जुड़ जाएगा. तो ये बन जाएगा ऐसा, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी आपके हाइड्रोजन, यहाँ भी आपके हाइड्रोजन. तो फाइनली क्या बन गया आपका, फाइनली यू गेट अल्केन, ठीक है. तो अल्काइन से अल्केन बना सकते हो. अब आते हैं हम, भाई ये रिएक्शन जो हो रहा है इसमें रिएक्शन कंडीशन क्या है. तो रिएक्शन कंडीशन मैंने क्या बोला आपको, अभी मैंने लिखा भी था कि रिएक्शन कंडीशन में क्या चाहिए आपको, इसमें मेटल के साथ यू शुड नीड मेटल प्लस हाइड्रोजन, यू नीड मेटल प्लस एच टू, ठीक है. अब देखिए इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, निकल प्लस हाइड्रोजन भी ले सकते हो आप. सेकेंड, यू शुड टेक रेने निकल प्लस हाइड्रोजन, ये बेटर है थोड़ा सा, क्योंकि रेने निकल थोड़ा पाउडर फॉर्म ऑफ निकल होता है, पाउडर फॉर्म ऑफ निकल मोर रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्टिव ज़्यादा होगा. पैलेडियम प्लस एच टू भी ले सकते हो, या चौथा आप प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन भी ले सकते हो. ये चार है जिसको आप यूज कर सकते हो इन रिएक्शंस में, ठीक है. अब आते हैं भाई मैकेनिज्म क्या है. काफ़ी लोग इसका मैकेनिज्म नहीं जानते हैं, मैक्सिमम 90% जो जानता है वो आपको इसको, इसका मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगा. लेकिन जेसी सर ने मैकेनिज्म इसका भी बताया था, देख लो ध्यान से. इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, कैसे प्रोसीड होगा. तो आपने एक, आप मेटल ले रहे हो ना, मान लीजिए ये मेटल है, मेटल आपने क्यों लिया, और देखो जो भी मेटल है आपके, जितने भी मेटल आपने लिए हो सब किस ब्लॉक के हैं, सारे डी ब्लॉक मेटल ले रहे हो. जैसे मान लो प्लेटिनियम ले रहे हो, प्लेटिनम ले रहे हो, निकल ले रहे हो, ये सब डी ब्लॉक में आ रहे हैं. और डी ब्लॉक के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है. डी ऑर्बिटल का क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना. तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसको मैं मान लिया मेटल, जो आपको दिख रहा है ये सामने, ये इसको मैंने मान लिया मेटल है ये एम, ठीक है. अब देखो, अब मेटल के साथ साथ हम क्या रख देते हैं, अल्किन, अल्किन को उससे पास करा दे. तो अल्किन जब पास करता है मेटल से, मेटल के पास क्या है, मैंने बताया आपको वैकेंट ऑर्बिटल है. मेटल के पास क्या भैया, वैकेंट ऑर्बिटल है. तो जब मेटल के पास, जब ये अल्किन पास करता है, अल्किन के पास क्या है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. डबल बॉन्ड मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, ठीक है. तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन शुरू करता है मेटल को, क्योंकि मेटल का डी ब्लॉक खाली है, तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने के लिए आता है, ठीक है ना. अट्रैक्ट होगा मेटल की तरफ, ये बात समझा ना, मेटल की तरफ ये अट्रैक्ट होता है हाइड्रोजन डोनेट कर, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ठीक है. तो जब ये मेटल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो मेटल के पास फिर हम क्या 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 रख देते हैं, मेटल में फिर क्या पास करते हैं हम लोग, वहाँ से एस टू पास करते हैं. जब ये मेटल से अट्रैक्ट हुआ, उसमें क्या पास कर देंगे हम लोग, एस टू पास कर देंगे. तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना मेटल को, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास चला जाता है, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, एस टू के पास चला जाएगा. इसलिए मेटल यूज करते हैं हम लोग, मेटल यूज करते हैं ताकि, देखो पहले तो ये जो मेटल है ये क्या होता है, एडजॉर्बेंट ऑफ हाइड्रोजन. ये मेटल हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करके अपने सरफेस पर रखता है, और फिर ये जो मेटल है वो अट्रैक्ट करता है इस अल्किन को अपनी तरफ, और तब ये हाइड्रोजन और अल्किन कॉन्टैक्ट में आते हैं और रिएक्शन आपका हो जाता है, ठीक है. तो वही कॉन्टैक्ट में लाने के लिए काम करता है. आप जानते भी हो, जब आप पढ़ते हो कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट कर सके, ठीक है. उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, तो वही प्लेटिनम प्रोवाइड कर रहा है, और कैसे प्रोवाइड कर रहा है उसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया. चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इसमें, कि आप इसमें पूछा जाएगा कि रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन के लिए एल्कीन में कैसे रिएक्टिविटी होगा, उसको कैसे आप बताओगे. तो वो बताना आपको एस्टेरिक से, ठीक है, एस्टेरिक हिंड्रेंस से बताना है, ठीक है भैया. जितना ज़्यादा एस्टेरिक क्राउडेड होगा, रिएक्टिविटी आपको क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है. जितना ज़्यादा क्राउडिंग बढ़ेगा, रिएक्टिविटी कम होगा. मीन्स इसे मान लो आपको पूछा जाएगा CH2 डबल वन CH2 और CH3 CH डबल वन CH2, इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजनेशन के लिए, तो ये होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडेंस क्या कम है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, कोई दिक्कत नहीं होगा. जाना स्टेरिक हिंडेंस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होगा हाइड्रोजनेशन में,
बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए भैया, आया कि नहीं आया, आया। चलिए, फॉर हाइड्रोजिनेशन क्या क्या आपको ध्यान रखना है, जो ये रिएक्शन उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक ही तरफ हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, एडिशन होगा, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका अल्किन है, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से ऐड होंगे, ठीक है, दिस इज नोन एज सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हाइड्रोजिनेशन है ये किसका एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीज होगा इसमें, और जो हीट रिलीज होता है आपके हाइड्रोजिनेशन में, दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, उस हीट को क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो काफी बार डिफिनेशन पूछ लिया जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है, तो कुछ लोग डिफिनेशन बताने में डिफिनेशन नहीं बता पाते, सोचिए आप डिफिनेशन कुछ लोग नहीं बता पा रहे, तो आप आसानी से डिफिनेशन बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो भैया, कैसे बताओगे डिफिनेशन आसानी से, बस आप सिंपल सा बोलो कि जो ही मतलब जो हाइड्रोजिनेशन है, दिस प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो जो हीट रिलीज होगा हाइड्रोजिनेशन में, तो वो दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में, द थर्ड पॉइंट इज सिंपल दैट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन्स एंड अल्काइन्स फॉर द रिएक्शन डिपेंड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। चलिए अब कुछ और पॉइंट देखते हैं, ये तो हो गया, अब हम कुछ और पॉइंट देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। पहले हम दो पार्ट में बांटते हैं कि सीन एडिशन से भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है, अभी तो सीन एडिशन से जुड़ रहा था, जो निकल हाइड्रोजन ले रहे थे, प्लेटिनम एस टू ले रहे थे, आप पी टी प्लस एस टू ले रहे थे, दैट ऑल वी आर अंडरगोइंग सीन एडिशन, सभी सीन एडिशन कर रहे थे, मैं आपको बताया भी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जहाँ पर क्या होता है एंटी एडिशन, एंटी एडिशन क्या होगा, मेन प्रोडक्ट बनाता है, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ की एंटी एडिशन इज द मेन। अब आते हैं एंटी एडिशन कहाँ पर मेन मेन होगा, वो ध्यान दीजिएगा। तो पहला एग्जाम्पल है आपका बर्च रिडक्शन, ठीक है, बर्च रिडक्शन जिसमें कि हम लेते हैं सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन में, ठीक है, और इसमें क्या होता है एंटी एडिशन मेजर प्रोडक्ट बनता है एंटी एडिशन के थ्रू, कैसे देखिएगा ध्यान से, ये सिंपल सा आपका क्या है अल्काइन, ओके, और इसमें आप देते हो क्या, पहला तो है बिर्च रिडक्शन करा रहा हो, लिखा रहेगा क्वेश्चन में सोडियम प्लस लिक्विड होनी, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आप देते हो सिंपल सा एच टू प्लस निकल, तो यहाँ क्या होगा एंटी एडिशन होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सीन एडिशन होगा, यहाँ पर एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एच, ठीक है, एच उधर होगा, आर यहाँ जुटेगा, अब इस बार आर इधर रहेगा, एच यहाँ जाएगा, देखो दोनों कहाँ चले गए एंटी पोजीशन पर, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन इधर से ऐड हुआ है तो दूसरा हाइड्रोजन इधर से ऐड हो रहा है, दिस इज द एंटी एडिशन। जबकि इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन, इस वाले एस टू निकल में दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से आएंगे, तो ऊपर से आएंगे नहीं तो नीचे से आएंगे, मतलब कहने का मतलब कि दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से आएंगे, सिंपल सा क्लियर कर लोगे ना आप, याद रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन बिर्च रिडक्शन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आपको, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं बिर्च रिडक्शन, इसके बारे में एक और, बिर्च रिडक्शन के बारे में एक और पॉइंट ध्यान देना आपको, ये टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं देता है, टर्मिनल अल्काइंस के साथ बिर्च रिडक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसको देखते हैं आप, देखो यहाँ से यहाँ बना आपका ऐसा, अभी टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है लास्ट में, और टर्मिनल अल्काइन मतलब ये कार्बन एसपी है, कैसा कार्बन है, कार्बन एसपी, और कार्बन एसपी से अटैच जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, कैसा होता है एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये जो आप रिएक्शन करवाओगे इसका सोडियम लिक्विड अमोनिया से, ठीक है, तो ये सोडियम और ये पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, मतलब एच प्लस जाएगा वहाँ से और सी माइनस बनेगा और यहाँ पर एन आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा, इसको ध्यान रखना, टर्मिनल अल्काइन केस में बर्च रिडक्शन क्या होता है फेल हो जाता है। चलिए अब एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाते हैं, वो है क्या एस टू पी डी प्लस सी एस सी ओ थ्री के साथ रिएक्शन, या सी एस सी ओ थ्री की जगह पर कभी कभी आपको बी एस ओ फोर भी मिलेगा, दोनों मिल सकता है, सी एस सी ओ थ्री भी मिल सकता है और बी एस ओ फोर भी मिल सकता है, ठीक है ना, और इसको पी डी प्लस सी एस सी ओ थ्री को क्या बोलते हैं हम लोग, लिंडलार कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनो, आपने अभी रिएक्शन किया था, मैंने बताया था आपको एस टू प्लस पी डी का रिएक्शन करवाया था आपने, सिंपल सा रिएक्शन करवाया था एस टू प्लस पी डी का, लेकिन जब एस टू प्लस पी डी के साथ आप ये जो बी एस ओ फोर मिला दे रहे हो या कैल्शियम कार्बोनेट मिला दे रहे हो, तो ये क्या करता है, ये पॉइजन की तरह काम करता है पैलेडियम के साथ, पैलेडियम का जो फंक्शन है उसको रिड्यूस कर देगा ये बी एस ओ फोर और सी एस सी ओ थ्री, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो एस टू पी डी जो कर पा रहा था वो अब ये दोनों मिलकर नहीं कर पाएगा एस टू पी डी, क्योंकि उसके काम को डिक्रीज कौन कर दिया है, बी एस ओ फोर और सी ए सी ओ थ्री, ठीक है, तो ये लोग कहाँ तक कर पाएगा, ये लोग ये जो दोनों हैं सिर्फ अल्काइन को अल्किनो बदल पाएगा, मात्र अल्काइन को अल्किनो बदलने का पावर है इसमें। जबकि आप सिंपल एस टू पी डी ले रहे थे, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, आप सिंपल एस टू प्लस पी डी लो,
सिंपल एस टू प्लस फिर उसका कुछ नहीं, तो जो आपका अल्काइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में, जब आप एस टू प्लस पी डी ले रहे हो। लेकिन वही आप अल्काइन लो और आप ले लो आप एस टू प्लस पी डी और इसके साथ आप बी एस ओ फोर ले लोगे या कैल्शियम कार्बोनेट ले लोगे, तो ये अल्काइन से अल्कीन बनेगा, ठीक है। अल्केन में आगे की तरफ रिएक्शन नहीं जाएगा, अल्केन नहीं बनेगा, ध्यान रखा ना, क्यों, क्योंकि बी एस ओ फोर डाल दिया, वो क्या करें इंटरफेयर करेगा किसके साथ, काम के साथ, पैलेडियम के काम के साथ, ठीक है ना, क्लियर है भाई। इसी तरह निकल के साथ भी, निकल एस टू के साथ निकल ले रहे थे तो काम करेगा, लेकिन निकल का ब्रोराइड ले लोगे तो यहाँ भी वही होगा, निकल ब्रोराइड ले लोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका अल्काइन है, ये सब पॉइंट लिखते चलना भाई, बहुत प्रीसियस पॉइंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। एस टू प्लस निकल से तो क्या बन जाता है, अल्केन, एस टू प्लस निकल से अल्केन बन जाएगा, लेकिन वही अल्काइन के साथ आप एस टू के साथ निकल ब्रोराइड ले लो, एन आई टू बी निकल ब्रोराइड ले लोगे तो ये अल्कीन तक ही रुक जाएगा, अल्कीन से आगे नहीं बढ़ेगा भाई, ध्यान रहेगा आप, ध्यान रखोगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, फिर हम बोल रहे हैं इन सब पॉइंट को भूलना नहीं, ठीक है। चलिए अपन आगे चलते हैं, अगला क्या है, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से करना, ये पहले कर चुके हैं हम लोग, ये जो अभी जो करने जा रहे हैं वो पहले कर चुके हैं, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे मान लो आर एक्स है और सामने क्या रखा गया आपका एम जी ड्राई ईथर, आप समझ गए होंगे, आप जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वीडियो को समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा, पहले आर एम जी एक्स बनेगा, ठीक है, क्या बनाया, आर एम जी एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप काम जानते हो, मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस कैसे होते हैं, मतलब ये पहले आर एम जी एक्स क्या देता है आपको, आर माइनस देगा, एक पीजीआर वो वीडियो देख लो जाकर, आप प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन दिया हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट समझ लो एक बार, बहुत जरूरी है वो कंसेप्ट समझना, ठीक है, उस कंसेप्ट को समझोगे तो आप 30 से 40 सेक्शन खुद से कर सकते हो, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही काम है आर माइनस देना, अभी आर माइनस दो चीज कर सकता है, यदि इसको एसिडिक एच मिल गया तो ये सबसे पहला रिएक्शन क्या करेगा, देखो ध्यान से, अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या है, आर एम जी एक्स है, ये क्या देता है हमेशा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, आर एम जी एक्स, ये हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा आपको, हमेशा आर माइनस देगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये हमेशा आपको क्या देता है, आर माइनस, अभी आर माइनस दो तरीके से काम कर सकता है, यदि इसको एसिडिक एच मिल गया, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, सिंपल आर एच बन जाएगा, एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा और आर एच बना लेगा। इसको एसिडिक एच नहीं मिला तब ये कौन सा रिएक्शन दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, या तो एस एन ए भी दे सकता है, यदि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब देगा, जब क्या हो आपके पास एल्डिहाइड हो और कीटोन्स हो, ठीक है, और एस एन ए कब देगा, जब आपके पास एसिडिक डेरिवेटिव कंपाउंड्स हो, और नहीं तो एस एन टू भी दे सकता है आपका, ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको वहाँ पर, ठीक है भाई। और मैं कुछ रिएक्शन डिस्कस भी करता हूँ यहाँ पर, देखो आर एम जी एक्स का मैं चार पांच एग्जांपल लेकर यहाँ आपको बता देता हूँ तब तक, ठीक है, कैसे आपको हैंडल करना है। सबसे पहले मान लो आपको दिया है H2O, ठीक है, उसके बाद आप मान लो आपको दिया गया है भैया, आपको दिया गया मान लो क्या, ये ऐसा, ठीक है, ये दिया गया है, मान लो आपको दिया गया है HCCCR दिया गया, मान लो आपको दिया गया है HOR दिया गया। अब ध्यान देना, पहले ये क्या आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या छोड़ेगा भैया, आर माइनस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या छोड़ता है, आर माइनस देगा आपको, हमेशा आर माइनस देगा। अभी आर माइनस को आपको दो कंडीशन देखना है, पहले खोजना है कहीं एसिडिक एच तो नहीं है, सबसे पहले आपको सर्च करना है एसिडिक एच के लिए, यदि एसिडिक एच होगा तो क्या बन जाएगा, आर डैश एच बन जाएगा, सबसे पहले आपको सर्च करना, ध्यान रखना, सबसे पहले जो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखने का जो सबसे पहले सर्च करना होगा किसको करना है, एसिडिक एच के लिए सर्च करना भैया, ठीक है, सबसे पहले आपको किसके लिए सर्च करना होगा, एसिडिक एच के लिए, तो आप सर्च करो, देखो यहाँ पर जो एस टू है वो उसमें क्या होता है, ओ एच एच, मतलब ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होता है, ऑक्सीजन से, तो ये और जानते हैं आप ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक एच होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर डैश एच बनेगा। फिर यहाँ देखो यहाँ नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से भी कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक एच होता है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, आर डैश एच बनेगा। यहाँ कार्बन एसपी है, कार्बन एसपी से अटैच हाइड्रोजन भी क्या होता है, एसिडिक एच, तो यहाँ भी आर डैश एच बनेगा और यहाँ भी आपका आर डैश एच बनेगा। यानी कि आप देख पा रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अभी मोटिव भी क्या अपना अल्केन का फॉर्मेशन करना, तो देख पा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम क्या कर रहे हैं, अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है भैया, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ पार्ट अल्केन के, अपन नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।